यूपी के जिला पीलीभीत में थाना जहानाबाद के मोहल्ला कुरेशी यान बाईपास अड्डा की निवासिनी शमा पत्नी जहीराउद्दीन ने दिनांक 18 जुलाई को जहानाबाद आकर पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 2 बजे उनकी पुत्री निदा उम्र 7 वर्ष अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस का ही रहने वाला इसरार पुत्र भूरा ने उसकी लड़की निदा के साथ नाजुक अंगों से छेड़छाड़ की। जब उनकी बेटी निदा ने इस हरकत का विरोध किया तो उक्त आरोपी युवक इसरार ने बेटी निदा से कहा कि घर जाकर अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। उनने मेरे ऊपर मिट्टी डाली थी तब मैं आंखें मलने लगी, उनने मेरे पेशाब की जगह उंगली डाली थी तब मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। कितने क्लास में पढ़ती हो? एलकेजी में। बालिका की मां ने बताया कि इस घटना को वहां पर मौजूद कई बच्चों ने देखा है। बालिका की माता ने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई है? हमारी बेटी खेल रही थी, इसको का नाम छेड़ा, पेशाब उंगली करी, उठा के ले जा रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है संग में, और क्या पता क्या कर रहा था। कौन था वो? इसरार कुरैशी मोहल्ला। कहाँ के रहने वाला ये? जहानाबाद। आप कहाँ की रहने वाली है? जहानाबाद। आपने इस घटना की शिकायत करी है? शिकायत करी तो है। कहाँ करी थी? थाने में। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसने अब देखो बच्चे खेल रहे थे तो फिर बच्चों ने इसके मोहल्ले की बात थी, इनने मिट्टी डाल दी बच्चों ने, तो इसने लौंडियों को ले गया उठा के और इसके पेशाब की जगह मिली ये करा। इन्हें कौन था? यही भूरा का लौंडा था। आरोप है कि प्रार्थना पत्र दिए हुए 10 दिन हो गए हैं लेकिन थाना जहानाबाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिता जहीरुद्दीन का कहना है कि उनके ऊपर फैसला करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मामला सीओ जहानाबाद के संज्ञान में आते ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करके जांच शुरू कर दी है। एक इसरार नाम का लड़का आया, इसकी पेशाब की जगह उंगली करी और इसको उठा के ले गया। जब जे चीखी चिल्लाई तो मेरी बीवी गई भाग के, उसने बचाया। इसकी तहरीर मैंने जहानाबाद थाने में दी। जहानाबाद थाने में देने के बाद में भी 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। मैं 3 दिन से लगातार भाग रहा हूँ, जब से आया हूँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे ऊपर नाजायज तरीके से दबाव डाला जा रहा है।